चार सुबात को लैंप को जलाने के लिए हमें इसमें विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंटों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा यह चोक है, चोक चोक का क्या काम है, यह हमारा एक चोक है, इस चोक का क्या काम है, इसकी जो स्टार्टिंग करंट होती है उसको कंट्रोल करना, उसको लिमिट में रखना, स्टार्टिंग करंट को लिमिट में रखने का काम चोक करता है। इसके बाद दूसरा क्या है, कैपेसिटर है, यह हमारा कैपेसिटर है जो कि यह कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज करंट को बनाए रखता है जो कि एक कलेक्ट करने का कार्य भी करता है। यह चोक हमारा 400 वाट का चोक है, इसमें हमारा और यह कैपेसिटर 30 mFD या 42 mFD का लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें हमारा एक चोक है, यह फोर्स का काम करता है। इस फोर्स चोक में 3 वायर होते हैं, रेड, येलो और न्यूट्रल नीला। और यह कैपेसिटर में 2 वायर होते हैं, नीला और रेड। इन्हीं के माध्यम से हमारा 400 वाट का लैंप जलता है। चोक में हमारा जो कनेक्शन किया जाता है, एक लाइन का और एक कैपेसिटर का और एक इग्नाइटर का, इसको मिला के हम कनेक्शन करते हैं। दूसरा, चोक में हमारा 3 होता है, 240, 220 और एक कॉमन होता है। 240 में हम इन तीनों को कनेक्ट कर देते हैं और 220 में हमारा एक इग्नाइटर का पीला वाला वायर लगा देते हैं और इसका जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट के माध्यम से हम इसको लैंप में लगाते हैं। जैसे लैंप और ये डायरेक्ट न्यूट्रल को, हम न्यूट्रल को भी डायरेक्ट इसमें लगाते हैं। जैसे एक कैपेसिटर का न्यूट्रल और इग्नाइटर का न्यूट्रल डायरेक्ट लैंप में लगाते हैं, जो कि अपना लाइट का भी न्यूट्रल, लाइन का भी न्यूट्रल उसमें ऐड कर देते हैं। यह जैसे इसमें हमारी एसी सप्लाई आती है, यह लैंप हमारा जलने लगता है। एसी सप्लाई के माध्यम से लैंप हमारा यह जलने लगा। यह लैंप भी 400 वाट का है।